हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 16 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स की। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। क्वेश्चन नंबर वन में पूछा गया है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ कैंपेन नेम्ड रोको टोको फॉर दोज हु डू नॉट वियर मास्क। यानी कि कौन सी राज्य सरकार ने लोगों के लिए रोको टोको नाम से एक अभियान शुरू किया है जो मास्क नहीं पहनते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा कि ये उन लोगों के लिए है जो लोग अपने घर से बाहर मास्क पहनकर नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर इस बात का मतलब है कि अगर आपने किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क के देख लिया है तो आप उनको रोक सकते हैं और उनको टोक सकते हैं कि भाई आपने मास्क क्यों नहीं लगाया है और आप मास्क लगाकर ही बाहर चलें। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आपको एक काम करना है, इस वीडियो को पॉज करना है जब भी मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं, और आपको आंसर साथ के साथ गैस करना है, और आपको कॉमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही हैं। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है हरियाणा, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा है वेस्ट बंगाल। तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। तो चलिए इसके साथ थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। एमपी गवर्नमेंट ने इस कैंपेन को स्टार्ट किया है जिसका नाम है रोको टोको, और इस कैंपेन में उन लोगों को टारगेट किया जाएगा जो लोग मास्क नहीं लगाते हैं। ठीक है, जब भी घर से बाहर जाते हैं तो बिना मास्क के घूमते रहते हैं, और इसके साथ ही जो लोग मास्क लगाकर नहीं घूमते हैं उनको मास्क भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की, विच कंट्री हैज बैंड हुवेई फ्रॉम फ्यूचर रोल इन 5G नेटवर्क। इसका मतलब है किस देश ने हुवेई को 5G नेटवर्क में भविष्य की भूमिका से प्रतिबंधित कर दिया है। यानी कि इन फ्यूचर यहाँ पर 5G नेटवर्क के रिगार्डिंग हुवेई कंपनी से कोई भी डील नहीं होगी। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ब्रिटेन, रशिया, जापान और यूएसए। और जिन लोगों को नहीं पता कि ये कंपनी किस देश की है तो मैं आपको बता दूं कि हुवेई कंपनी है चाइना की, और इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन। तो यहां पर मैं आपको समझा देता हूं कि जो बैन लगा है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है। उसका सबसे बड़ा कारण है यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ कंसर्न हुवेई इक्विपमेंट कुड अलाउ द चाइनीज गवर्नमेंट टू इन्फिल्ट्रेट यूके नेटवर्क। यानी कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो यूके नेटवर्क को हुवेई के कंपोनेंट्स के थ्रू इन्फिल्ट्रेट कर सकता है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं यूएस के दबाव की वजह से ही ब्रिटेन को ऐसा फैसला लेना पड़ा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, हु हैज प्रिपेयर्ड प्रगेता गाइडलाइंस फॉर डिजिटल एजुकेशन। यानी कि ये जो गाइडलाइंस है वो किसने प्रिपेयर की है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, दूसरा एनसीईआरटी, तीसरा एआईसीटी और चौथा है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एनसीईआरटी। तो यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, ये जो गाइडलाइंस है इनका मेन फोकस है डिजिटल एजुकेशन पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन टीचिंग पर ज्यादा फोकस है, तो बच्चों को बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। ठीक है, जो उनका सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, लैपटॉप है, उस पर। तो यहाँ पर उनके हेल्थ इश्यूज को ध्यान में रखते हुए ये गाइडलाइंस जारी की हैं, एंड दीज गाइडलाइंस आर प्रिपेयर्ड बाय दी एनसीईआरटी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की, प्रगेता गाइडलाइंस रेफर्स टू द रिसेंटली रिलीज। यानी कि ये जो गाइडलाइंस है इनका मेन मोटिव क्या है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, पहला है गाइडलाइंस ऑन कोविड-19, दूसरा है ऑन लॉकडाउन, तीसरा है टीबी बाय WHO और चौथा है डिजिटल एजुकेशन। अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड आपने ध्यान से पढ़ा है, समझा है, तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की, एंड्रेज डूडा हैज बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। यानी कि किस देश का इनको राष्ट्रपति चुना गया है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, मालदीव्स, पोलैंड, सर्बिया या फिर इंडोनेशिया। तो इसका सही जवाब होगा पोलैंड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पोलैंड। पोलैंड देश की राजधानी क्या है। देखिए, यहां पर फिर से आपसे पूछा गया है पोलैंड कंट्री के बारे में। तो जब भी आपसे एक कंट्री के बारे में बार बार कुछ पूछा जाए तो यानी कि वो कंट्री न्यूज में है, चाहे कारण कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और यहां पर जो कारण है वो है
इस कंट्री के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव होना और राष्ट्रपति का चुना जाना। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो कंट्री न्यूज में है उस देश की करेंसी, उस देश की कैपिटल और यहाँ पर पीएम और उसका राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सीरिया की कैपिटल है डेमेस्कस और स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न और इसराइल की है जेरूसलम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाट इज द करेंसी ऑफ पोलैंड, यानी कि पोलैंड की मुद्रा क्या है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने है, नायरा, ज्लॉटी, रूबल या फिर पीसो। तो इसका सही जवाब होगा ज्लॉटी। तो चलिए बाकी कंट्रीज की करेंसी भी मैं आपको बता देता हूँ। नाइजीरिया की है नायरा और रूबल है रशिया की और फिलीपींस की है पीसो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मेरा घर मेरा विद्यालय स्कीम टू फैसिलिटेट लर्निंग अमंग पब्लिक स्कूल चिल्ड्रन, यानी कि किस राज्य सरकार ने पब्लिक स्कूल के बच्चों के बीच सीखने की सुविधा के लिए मेरा घर मेरा विद्यालय की योजना शुरू की है। यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने है, उड़ीसा, हरियाणा, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। यहाँ पर ये जो स्कीम है मेरा घर मेरा विद्यालय, इस स्कीम का जो मेन पर्पस है वो है स्कूल लाइक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करवाना एट होम। क्वेश्चन नंबर 9, विच कंट्री हैज लॉन्चेस एपस्टार 6D टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट, यानी कि किस देश ने एपस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह लॉन्च किया है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, यूएसए, रशिया, चाइना या फिर इसराइल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चाइना। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सैटेलाइट है इसको लॉन्च किया है विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट फ्रॉम शीचेंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, और यहाँ पर इसको डेवलप किया है बाय द चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। तो चलिए अब बात करते हैं आज के आखिरी सवाल की, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल चौपाल टू मार्क इट्स 39th फाउंडेशन डे, यानी कि किस संगठन ने अपने 39वें स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है। यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने हैं, नाबार्ड, RBI, सेबी या फिर PFRDA। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नाबार्ड। तो चलिए जाते जाते इन सभी की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और PFRDA का फुल फॉर्म होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, और सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।